अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट्सएप वॉलपेपर के बारे में। जी हाँ, आप जो भी किसी को भी चैट करते हो तो वहाँ पे जो बैकग्राउंड में जो इमेज रहता है, जो बैकग्राउंड में बाय डिफॉल्ट जो इमेज रहता है व्हाट्सएप का, उसको आप कैसे आप चेंज कर सकते हैं, उस बैकग्राउंड को कैसे आप अपना कस्टम बैकग्राउंड उसमें लगा सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी पर्सनल चैट को, यानी किसी आप चाहते हो एक चैट के अंदर में दूसरा वॉलपेपर आए, दूसरे चैट में दूसरा वॉलपेपर आए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उस चीज़ को कैसे करना है ये आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ओपन कीजिए। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद में आपको नजर आएगा 3 डॉट, टॉप में सिंपली आप स्क्रॉल में क्लिक कीजिए और यहाँ पर आकर के आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आप चैट्स में जाइए और यहाँ पर आप अपना वॉलपेपर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर सिंपली आप चेंज पे क्लिक कीजिए और यहाँ से अगर ब्राइट आपको वॉलपेपर चाहिए तो आपको बहुत सारे नज़र आ जाएंगे, यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। बैक आइए, डार्क में जाना है तो डार्क आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए, या फिर आप चाहते हैं माई फोटोज़, जो आपका कस्टम फोटोज़ है, जो आपके डिवाइस में जो फोटोज़ है उसको लेना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिए माय फोटोज़ पे। यहाँ पर आने के बाद में आपके पास में जो फोटो भी है वो आप यहाँ से चूज़ करके लगा लीजिए। सपोज़ मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने इसको लगा दिया तो ये जो है सेट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से अपीयर होगा, मुझे बताएगा। सिंपली आप इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको जैसे सेट कीजिएगा तो ये सेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से सेट करूँ सेट वॉलपेपर, सिंपली ये सेट हो जाएगा, ये सेट हो गया। अभी अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे ही मैं जाऊँगा कहीं पे भी किसी भी चैट में तो यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएंगे, देखिए वही नज़र आ रहे हैं मुझे वॉलपेपर। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका डार्क मोड में है तो अगर आप ब्राइट वॉलपेपर को डिम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सेटिंग में जाइए, चैट्स में जाइए, वॉलपेपर में जाइए। उससे पहले आप इसको थीम को डार्क मोड में कर लीजिए, उसके बाद में आप ओके कर लीजिए, उसके बाद में आपको सिंपली वॉलपेपर पे जाना अगर डार्क मोड आपको पसंद है तो, और यहाँ से सिंपली चेंज पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी ब्राइट जो है वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। ठीक है, सपोज़ मेरे पास वो ब्राइट ऑलरेडी है, ठीक ये वाला जो है ये मेरे पास ब्राइट ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा सिंपली यहाँ पर आकर के इसको मैं डिम भी कर सकता हूँ। ये पहले मैं यहाँ से ब्राइट जो है चूज़ कर लेता हूँ, मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया, ये चेंज हो गया, सेट वॉलपेपर मैंने किया। इसको आप डिम भी कर सकते हैं, देखिए आप अपने हिसाब से जितना डिम करना चाहे उतना डिम आप इसको कर सकते हैं, जैसा डिम जितना करना हो चाहे उतना करके आप सिंपली बैक आ जाइए, बैक आ जाइए, उसके बाद में आप सिंपली चैट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए वो डिम हो गया, अभी आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है डिम हो चुका है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर जो है आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको फिर से मैं जो मेरा डिफ़ॉल्ट था वो मैं चले जाता हूँ, यानी थीम जो है, थीम जो सिस्टम डिफॉल्ट रहेगा उसी में, यानी जो अगर सिस्टम लाइट मोड रहेगा तो लाइट में रहेगा, डार्क मोड रहेगा तो डार्क में रहेगा। सिस्टम डिफॉल्ट मैंने डाल दिया, उसके बाद मैं सिंपली बैक बटन पे क्लिक करता हूँ, बैक बटन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली सिर्फ पर्सनल चैट पे आप कैसे कर सकते हैं। सपोज़ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कोई और चैट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने दो चैट ले लिया। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर में जो ये वॉलपेपर जो बैकग्राउंड में आ रहा है ये दूसरा हो और इस चैट के अंदर में जो यहाँ पे आ रहा है वो दूसरा हो, तो वो कैसे आप इनेबल कर सकते हैं। सिंपली आप चैट में आइए, यहाँ पे आपको 3 डॉट नज़र आएगा, सिंपली 3 डॉट पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आने के बाद में आपको नज़र आएगा वॉलपेपर, इसके ऊपर में क्लिक कीजिए, जो भी आपको वॉलपेपर लगाना है वो आप वॉलपेपर यहाँ से चूज़ कर लीजिए, जो भी वॉलपेपर आपको चूज़ करना है, मैंने यहाँ से ये चूज़ कर लिया। उसके बाद में मैं सिंपली सेट वॉलपेपर में मैंने क्लिक किया ये इस चैट के लिए। अब यहाँ पे पूछेगा कि ये जो है ये वॉलपेपर जो आप सेट कर रहे हैं सिर्फ इसी चैट के लिए या फिर फॉर ऑल चैट्स इन लाइट थीम, उनके लिए आप करना चाह रहे हैं इसके लिए या फिर सिर्फ इसी चैट के लिए, तो मैं सिंपली इसी चैट के लिए मैं करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मौके पे आपको क्लिक करना है तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। अगर मैं आपको इसमें बताऊँ तो बाय डिफॉल्ट जो पहले वाला है वही आ रहा है, और इसके अंदर आप चाहते हो दूसरा लगा सकते हैं। सिंपली आप वॉलपेपर पे जाइए, यहाँ से जाइए और यहाँ से चूज़ कर लीजिए जो भी आपको दूसरा फोटो जो है आपको नज़र आ रहा है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको चूज़ कर लिया और यहाँ से मैंने सेट वॉलपेपर पर क्लिक किया, सिर्फ इसी चैट के लिए मुझे चाहिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए, ये हो गया इसके अंदर में दूसरा और इसके अंदर में दूसरा वॉलपेपर है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप कस्टम वॉलपेपर आप हर एक चैट पे लगा सकते हैं और किस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर जो है व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं और किस तरीके से डार्क मोड में अगर कोई लाइट वॉलपेपर है उसको आप डिम कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है, उसको मैं जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, किसी भी सोशल नेटवर्क पर फॉलो नहीं कर रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, सोशल नेटवर्क पर फॉलो कीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बगैर मत जाइएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।